हाँ जी प्यारे बच्चों, अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं बिजली शक्ति बारे। तो यदा ओहम के नियम नाल की लिंक है वो स्टडी करांगे। दे विच जिहड़ी बिजली शक्ति आ पावर है यानी कि काम करन दी समर्था आ जाती है, ये बराबर होंदी है वी गुणा आई दे, जिथे कि वी जो है वो तुहाडा पोटेंशियल अंतर है, आई की है करंट है यानी कि बिजली धारा आ। हुण जिहड़ा हैगा पी बराबर है वी गुणा आई दे, इहनू पी बराबर है वी आई भी कह दिंदे आ। ओहम दे नियम तो की आया अपने कोले पुरानी जो जानकारी सी वह सी वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। हुण जिहड़ी ये समीकरण है वी बराबर है आई आर, इसका मुल आपां पहली समीकरण च भरांगे यानी कि वी दी वैल्यू जो है वी का मुल है वह आपां इस वैल्यू दे विच भरांगे। सो इस स्थान दे उत्ते पी बराबर है आई गुणा आर, आई वी दी वैल्यू आ रखती आई आर आपां नाल की सी पुराना आई जिहड़ा सीगा वह पहलां तो ही उत्थे मौजूद सीगा उही इत्थे वरत लिया। सो पी का दे बराबर हो गया पी बराबर है आई स्केयर आर दे। तो ये एक तुहाडे कोले नवीं समीकरण तैयार होगी जिदे विच जे मान लो तुहाडे कोले पोटेंशियल अंतर नहीं दिता होया, रेजिस्टेंस दिती हुई है यानी कि प्रतिरोध दिता होया, तो उत्थे इस समीकरण नूं तुसीं वरत सकदे हो। इस तों बाद दूसरी जिहड़ी समीकरण है वह किवें तैयार होंदी है, अगली बार फिर आपां ओहम दे नियम तों लिया की लिया आई बराबर है वी बटे आर दे, ठीक है जी। आई का दे बराबर है वी बटे आर दे, ये समीकरण नंबर इनू आप चार देता। हूँ समीकरण नंबर चार का मुल जो है उसका मुल असी दोबारा समीकरण नंबर एक च भरांगे यानी कि इस दे विच। हूँ आप सिर्फ आई की वैल्यू पुट करांगे क्योंकि वी नाल आप पहले कर चुके हैं। हूँ जो आई की वैल्यू पुट की तो पावर बराबर है वी गुणा आई की जगह पर की पुट करांगे वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर हो गया। तो इस तरह जी पावर सी पावर बराबर है वी स्केयर अपॉन आर बन गई, ठीक है जी। तो इस फार्मूले वो जगह पर वरत सकते हैं जिथे सानू पोटेंशियल अंतर दिता होवे ते नाल की दिता होवे रेजिस्टेंस दिती होवे।